स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 24 2 सितंबर के लिए जो है उसको सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। आपका जो विषय है पालमपुर की कहानी भाग 2, इसे पहले वाली वर्कशीट में हमने पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पढ़ा था। इसमें पढ़ा था पालमपुर एक गाँव कितना है, कितना बड़ा गाँव है, उसमें किस जात के लोग रहते हैं, अनुसूचित जात जो छोटी जात के लोग कैसे रहते हैं, गांव में सड़क है, गांव में विद्यालय है, गांव में हाई स्कूल है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, और जो कृषि मुख्य व्यवसाय है। तो ये सब चीज़ें हमने जानी थी गांव के बारे में। और अब उसी से आगे चलते हुए उसी गांव की जो कहानी है उसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य विषय है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यक है भूमि या प्राकृतिक संसाधन, भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी है श्रम अर्थात जो लोग काम करते हैं। तीसरी है भौतिक पूंजी, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें। और चौथी आवश्यकता है ज्ञान और उद्यम, आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। उत्पादन की इन आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। देखिए छात्रों, अब तक तो हमने कहानी पढ़ ली सिंपल सा कि गाँव में खेती होती थी और सारी ज़रूरतें लोगों की पूरा हो जाती थी। कस्बे से जुड़ा हुआ गांव था, उस पर बस, ट्रक, टेम्पो सब कुछ चढ़ता था, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी भी चलती थी, तो लोग वहां से चले जाते थे, अपने संसाधन जरूरत की चीज़ें कस्बे से उठा लाते थे। लेकिन साथ ही साथ गांव में कुछ कुटीर टाइप के छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे डेयरी है, परिवहन की हैं और लघु स्तरीय विनिर्माण है, और बहुत सारी गैर कृषि क्रियाएँ हैं। गैर कृषि क्रियाएँ जो कृषि से संबंधित नहीं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री या डेयरी ही मान लीजिए, डेयरी उद्योग है। अब ये दोनों का हम एग्जांपल लेंगे। अब चलते हैं, अब देखिए एक बार फिर से इन्हें मारते हैं। आप कपड़ा मान लीजिए, कपड़ा भी ना लीजिए, कोई ऐसा और सिंपल सा ले लीजिए, जैसे आपके गांव में मान लीजिए डेयरी है और आसपास में मान लीजिए कि ईंट भट्टा है। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या कि अब इनमें क्या चाहिए, इनके लिए प्राकृतिक संसाधन चाहिए, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास सबका। अब उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है कि जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करना। जैसे आपको पनीर की आवश्यकता है, आपको दूध की आवश्यकता है, वो डेयरी से मिलेगा, पाश्चरित दूध। अब डेयरी के लिए और ईंट भट्टा, आपको घर बनाना है, पक्के ईंट की ज़रूरत है, सड़क बनाना है, पक्के ईंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई स्कूल बनाना है उसके लिए भी पक्के ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये खेत में तो दोनों पैदा नहीं होंगे, इनके लिए उद्योग लगाना पड़ेगा, चाहे डेयरी हो चाहे ईंट भट्टा हो। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन। जहाँ भी आप डेयरी लगाओगे वहाँ भूमि तो लगाएंगे। डेयरी में मान लीजिए चाहे आप दूध खरीद रहे हो गांव वालों से या खुद की गाय भैंस पाले हो, तो उसके लिए आपको डेयरी में क्या करना, भूमि और वहाँ पे जो जल की ज़रूरत पड़ेगी। यही हाल ईंट भट्टे के लिए है, बहुत बड़ी जगह पर ईंट भट्टा स्थापित होगा, मिट्टी चाहिए, मिट्टी फिर उसको पकाने के लिए मिट्टी को गीला करके ईंट जो सांचे में ढाला जाता है उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो अन्य सारे प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए संसाधन उद्योग के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा संसाधन है। मान लीजिए आपका प्लाई उद्योग है तो वहाँ पे आपको बन चाहिए, लकड़ी भी चाहिए तो आपको बन चाहिए। डेयरी में और ईंट भट्टे में आपको बन की ज़रूरत नहीं, लकड़ी की ज़रूरत नहीं, बहुत कम पड़ेगी। कोयले की ज़रूरत पड़ेगी ईंट भट्टे उद्योग में, आप कोयला भी लाओगे, खनिज, कोयला एक खनिज है। श्रम, दोनों में मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, कोई मजदूर चाहिए जो दूध लाने के लिए, गायों को खिलाने के लिए, ईंट भट्टा के लिए भी मजदूर चाहिए। तीसरी आवश्यकता है पूंजी, अब इन दोनों हवा में तो उड़े आएंगे नहीं, इनके लिए पूंजी यानी पैसे की ज़रूरत होगी।
पैसा लगाना पड़ेगा। तीन चीज़ें हो गई, और चौथी चीज़ें हो सबसे जो है वह क्या है, मानव पूंजी यानी मानव का ज्ञान, समझ गए नहीं। जैसे ईंट भट्ठा, ऐसे मट्टी से तो ईंट भट्ठा बनेगा नहीं, भट्ठे का उद्योग लगाना पड़ेगा, उसके लिए सांचा डालना पड़ता है, उसके लिए टेक्नीशियन आते हैं, हैं यही हाल डेयरी में होगा। डेयरी में पाश्चुरीकरण के लिए कुछ मशीनें आती हैं, पैकिंग की मशीनें आती हैं, और वो मशीनें हर आदमी चला नहीं पाएगा, जो ट्रेंड होंगे जो स्किल्ड होंगे वही लोग चलाएंगे। डेयरी की जो मशीनें आएंगी, दूध की जांच के लिए मशीन आती है, दूध की जांच करने के लिए व्यक्ति जो होगा वो उसमें निपुण होना चाहिए। तो यह सब चीज़ें जो है आएंगी, ये मानव पूंजी से आएंगी, तब जाके कोई उद्योग उत्पन्न, और यही चार चीज़ें उत्पादन के कारक कहलाते हैं। अब हम चलते हैं उत्पादक के कारक क्या क्या है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है। श्रम में अस्थाई पूंजी है, कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या कर लिया कि जमीन भी एक पूंजी है तो वो अस्थाई है। कार्यशील पूंजी आपने जो पैसा लगाया मशीन में लगाया है, कपड़ा खरीदने के लगाया, मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्री, कपड़ा खरीदने के लिए आपने पूंजी लगाया और वो कपड़ा उत्पादित होकर फिर आगे बिक गया तो आपकी पूंजी मिल गई, यानी वो अस्थाई नहीं है, कपड़ा आपका अस्थाई नहीं, लेकिन ये ज़मीन आपकी स्थाई पूंजी है। अब आप प्रश्नों की तरफ चलते हैं, उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए भैया सामने आपके लिखा है उत्पादन का अर्थ है वस्तुओं एवं सेवाओं को आवश्यकता के अनुसार उत्पादित करना, तो ये उत्पादन का अर्थ है। इसे मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास में आके आप इतना तो कर सकते हैं। उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताइए, चार कारक बताए हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है, ये आप लिखेंगे। उत्पादन के कारकों में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों, देखिए उत्पादन के कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है कि मानव ज्ञान और मानव पूंजी, जिसे हम चौथा वाला, क्यों उद्यम ही, क्योंकि अगर यह नहीं रहेगा तो इन सबका कोई मतलब नहीं रहेगा, और यह रहेगा तो व्यक्ति जो है अपने आप से, जिसे संसाधन मानव ने क्या किया, बहुत सारे संसाधनों को क्रिएट कर लिया अपनी तकनीक का विकास करके, तो संसाधन उन्हें बना लेगा। पालमपुर में जाने वाली किन्हीं तीन गैर कृषि क्रियाओं के नाम बताइए, तो आप ऊपर लिखा गया है देख लिए, परिवहन है, शरीर निर्माण है, डेयरी है, परिवहन है, ये गैर कृषि क्रियाएँ हैं। उत्पादन क्रियाओं के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो संसाधन क्या है, आपको पूंजीगत संसाधन हैं, आपको स्थायी संसाधन हैं, और मानव संसाधन, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इन तीनों के नाम लिख के आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करिए, ताकि वो आपकी वर्कशीट को मूल्यांकन कर मूल्यांकन अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू।